नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 73 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड की सलामी ली, साथ ही ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता को संबोधित कर कई घोषणाओं के साथ ही 2 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य और 2 लाख नौकरियां प्रदेश में बढ़ाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नेहरू स्टेडियम को भव्य रूप से सुंदर रूप में तब्दील किया गया। बीएसएफ के बैंड के किशु मधुर धुन के साथ समारोह में प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट कर परेड की सलामी दी गई। परेड में जिला पुलिस बल, पीटीसी, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और यातायात पुलिस के जवानों द्वारा भी परेड निकाली गई। पूरे ग्राउंड में राज्य शासन द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गईं। नगर निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को झांकियों के रूप में दर्शाया गया। आवासीय योजना और नगर विकास पंचायत, जल संरक्षण सहित एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आत्मनिर्भर भारत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। महामारी के समय इंदौर में बनाए गए देश के दूसरे सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कृषि विभाग, प्रकृति, शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शहीदों पर आधारित झांकियां भी सम्मिलित की गईं। नेहरू स्टेडियम में हुए ध्वजारोहण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई योजनाएं भी संचालित की जाने की मंच से घोषणा की गई, जिनमें 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही आने वाले समय में 1 लाख नौकरियां सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में उत्पन्न करने की बात कही है। इंदौर को स्टार्टअप के क्षेत्र में देश की राजधानी के साथ ही जैविक खेती में भी काफी संभावना बढ़ाने की, प्राकृतिक आपदा में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए किसानों के खाते में राशि के ट्रांसफर के कार्य में तेजी के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में बिजली की पूर्ति बनाने के साथ ही सोलर बिजली से आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ओंकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाकर बिजली उत्पन्न की जाएगी ताकि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। अहिल्या माँ की इस पवित्र नगरी की धरती पर खड़े होकर मैं गर्व से कहता हूं कि इंदौर की जनता ने भी जन भागीदारी का अद्भुत इतिहास रचा है। इंदौर और प्रदेशवासियों ने मिलकर कोविड की दूसरी लहर का भी मुकाबला किया। अभी हम तीसरी लहर के प्रकोप से गुजर रहे हैं। संख्या स्थिर होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं बहनों और भाइयों, सावधानी में ही सुरक्षा है। मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। मार्च 2020 में कोविड ने दस्तक दी, अप्रैल में कोविड की वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, विशेषज्ञों को प्रणाम। रिकॉर्ड समय में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली, एक नहीं दो दो वैक्सीन बन गई और मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 168 करोड़ डोज लगा दिए गए। वैक्सीन बनाने से लेकर टीका लगाने तक का एक अद्भुत कार्यक्रम जन सहयोग से संपन्न हुआ और गर्व के साथ यह भी कहता हूं आज उसी का परिणाम है कि कोविड की क्षमता उतनी मारक नहीं रही। जिन्होंने दोनों टीके लगवाए उनको या तो संक्रमण होता नहीं है और होता भी है तो ऐसा संघातक नहीं होता कि जिंदगी चली जाए। अस्पताल में भी भर्ती होने वालों की संख्या अब नगण्य है। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी, टीके लगाए गए, मुफ्त में लगाए गए और करोड़ों करोड़ देशवासियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाया गया। मैं प्रधानमंत्री का इस जीवन रक्षक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने संकल्प लिया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।